हे गाइस, आशीष हियर। सो गाइस, आपको जैसे पता है कि जो कल का वीडियो था उसमें बेसिकली हमने जी एडवांस के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि जी एडवांस का जो पेपर होगा वो 27 सितंबर को होने जा रहा है, ठीक है। और 11 सितंबर से 16 सितंबर तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल है फॉर द जी एडवांस। अभी 10 सितंबर तक आपका JEE Mains जो सेकंड फेज हुआ था उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो बेसिकली आज बात करने वाले वो हम MHT CET के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो MHT CET का पेपर होगा वो 1 से 15 अक्टूबर के बीच होगा, तो आप ये मानकर चल सकते हो कि आपके पास अभी भी 1 मंथ बचा है, ठीक है। मतलब सपोज हम ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगले महीने के 7 तारीख को अगर आपका सीईटी का पेपर हो जाता है तो यहां से 1 मंथ आपके पास है, ठीक है। तो एडवांस का पेपर थोड़ा जल्दी है उससे, तो इसलिए हमने कल की वीडियो में जी एडवांस की जो स्ट्रैटेजी थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि हम इस 20 दिन जो बचे हैं जी एडवांस के लिए उसमें एग्जैक्टली क्या करना होगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द MHT CET। अभी जो 1 मंथ बचा है उसके लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं इस 1 मंथ में, ठीक है, जिससे कि आपका यहाँ पे थोड़ा स्कोर या रैंक हो, बूस्ट हो जाए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं आपके लिए बहुत रिसर्च करके, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वन बाय वन यहाँ पे अभी वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी। तो बेसिकली हम फर्स्टली यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न पता होना यार बहुत जरूरी है। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे पता भी होगा, फिर भी एक बार हम रैपिड यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली आपको 3 घंटा मिलता है एग्जाम के लिए, उसमें से जो फर्स्ट सेशन होता है वो 1.5 घंटे का होता है, उसमें आप बेसिकली केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। और जो बाकी का 1.5 घंटा बचा है उसमें आप मैथ्स के लिए यहाँ पे सॉल्व करते हो, ठीक है। सो जो फर्स्ट हाफ होगा बेसिकली यार तो इसमें थोड़ा केमिस्ट्री ज्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। और सेकंड तो पूरा मैथमेटिक्स होगा, उसमें बेसिकली आपको एक क्वेश्चन के पीछे 2 वहां पे मार्क मिल जाते हैं। तो ओवरऑल यार 50% जो स्कोर बना रहा है आपका वो मैथ्स बना रहा है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वेटेज आपका मैथ्स से आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ज्यादा मैथ्स पे फोकस करेंगे, ठीक। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे 30 दिन बचे हैं, ठीक है। अभी उसमें से आपको 27 दिन, पहले जो 27 दिन है लास्ट के 3 दिन छोड़कर, उसमें आपको ये प्लान अप्लाई करना होगा, और बाकी के जो 3 दिन बचे हैं उसमें आपको बेसिकली क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सो 27 डेज मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स यहाँ पे होते हैं, मतलब 1 दिन थोड़ा ज्यादा होता है बट 4 वीक्स आप मान के चलते हो, ठीक है। सो इस 4 वीक्स में आपको बेसिकली हर वीक में आपको यहाँ पे 2 पेपर सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट हर वीक में 2, मतलब पर वीक अगर आप 2-2 सॉल्व ऐसे कर लेते हो तो 4 वीक में आपके 8 यहाँ पे पेपर सॉल्व हो जाते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यार ये जो मॉक टेस्ट आप दोगे वीकली 2, उस ये ज्यादा से ज्यादा यार प्रीवियस ईयर के पेपर हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर होंगे तो ये बेटर होगा। अभी आपको किससे सॉल्व करना है, ठीक है, आप जो भी स्लॉट है, आप जिस भी टाइम यार को थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हो स्टडी के लिए, उसमें आपको 3 घंटे का यहाँ पे टाइमर लगाना है, ठीक है। अभी आपके पास यार हॉल टिकट एडमिट कार्ड नहीं आया है तो आपको स्लॉट नहीं पता है आपका। जब तक स्लॉट आपका पता नहीं हो, आपको जो टाइम अच्छा लगे उसमें यार 3 घंटे का यहाँ पे टाइम अज्यूम करके, टाइमर लगा के, क्लॉक देख के यार आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हो पेपर में। उसमें बेसिकली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले 1.5 घंटा ट्राई करना है और फिर मैथ्स के लिए ट्राई करना है बाकी का सेशन, ठीक है। सो आपको वीकली, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज कल मंडे है, तो मंडे को दिन आपने मॉक टेस्ट दे दिया सुबह, तो आपको दिन भर वो फिर उसमें से देखना है कि यार कौन से चैप्टर्स नहीं बने, कौन से क्वेश्चंस नहीं बने, और वो जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं वो किस चैप्टर या टॉपिक से थे, आपको बेसिकली वो करना है बाकी का दिन जो बचता है, ठीक है उसमें। और सपोज कल मंडे था, हमने पेपर दिया, एनालाइज किया दिन भर रात को, फिर उसमें जो नहीं आया था उसके फॉर्मूलाज की नोट्स, आपके जो सेल्फ मेड नोट्स है वो आपने यहाँ पे देख लिया, पूरा रिवाइज कर लिया दिन भर। फिर मंडे ट्यूसडे वेनेसडे से 3 दिन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स को देना है, आपको मतलब यहाँ पे स्टडी करना है बेसिकली। और फिर ये 2-3 दिन छोड़कर आप जो फ्राइडे होगा या थर्सडे होगा उस पर आप दूसरा पेपर लगाओगे, वीक का दूसरा पेपर, ठीक है। मतलब 7 दिन में आपको यहाँ पे 2 या 3 दिन छोड़कर आपको बेसिकली आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर का पेपर देना है। मॉक टेस्ट यार कोई भी दे सकते हो, आपका जो इंस्टीट्यूट होगा उसका पेपर दो, या मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि यार इन आने वाले दिनों में जो अभी लास्ट दिन है वैसे भी, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर के यहाँ पे पेपर लगा लो, ठीक है। फिर आपको
जो ये 2 दिन, जो 2 दिन छोड़कर, मतलब जो जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो, जिस 2 दिन में वीकली, वो दिन छोड़कर आपको बाकी दिन में क्या करना है। तो सपोज मंडे को आपने एग्जाम दिया था, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को आपको प्लान बनाना है, डे टू डे, मतलब डे वाइज आपको प्लान बनाना है बेसिकली। सो सपोज आज का दिन है, तो आज के दिन में मुझे यहाँ पे 3 स्लॉट्स बनाने हैं, 3 स्लॉट्स बनाने हैं। तो फर्स्ट स्लॉट्स में आप फिजिक्स कर लो, यार केमिस्ट्री कर लो, जो भी आपको ठीक लगे, यार मैथ्स कर लो। पर जो 3 सेशन होंगे वो लाइक 2 सेशन 2-2 घंटे के होंगे, और जो तीसरा होगा वो 3 घंटे का होगा, ठीक है, 3 घंटे का होगा। ये मैंने मिनिमम टाइम रखा है आपकी स्टडी के लिए, मतलब ओवरऑल 7 आवर्स पर डे, ठीक है। आपको अगर टाइम बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, पर आपको ये मिनिमम इतना टाइम तो आपको रखना है, ठीक है। सो जो 2 सेशन है 2-2 घंटे के, उसमें आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स रेस्पेक्टिवली यहाँ पे करना है। और जो 3 घंटे का सेशन है, तीसरा सेशन, उसमें आपको मैथ्स करना है, मतलब मैथ्स के लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यार, मैथ्स थोड़ा ज्यादा यहाँ पे आपको स्कोर दे रहा है ना, 50% आपको खाली मार्क्स यहाँ पे मैथ्स के आ रहे हैं, तो आपको मैथ्स को यहाँ पे ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। और जो बाकी के 2 सेशन है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को 2-2 घंटा देकर, मैथ्स को 3 घंटा आपको यहाँ पे देना है, ठीक है, मतलब ओवरऑल 7 आवर्स पर डे। ये तो ये डे हो गया आपका जिस दिन आपने पेपर या मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाना है आपको, ठीक है, उस दिन आपको ये करना है। बाकी के दिन, मतलब वीक, अगर 7 दिन का जो वीक है उसमें से 2 दिन आप पेपर लगा रहे हैं, तो आपके जो दिन बचते हैं वो 5 दिन बचते हैं, तो 5 दिन में आपको ये फॉलो करना है 3 सेशन में बांट कर, ठीक। आपको जो आपकी स्टडी है, ठीक है, आप जो स्टडी है या प्रिपरेशन है, वो आपको बेसिकली यार जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उससे स्टार्ट करना है। फर्स्टली जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप अगर मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा बेटर फील करते हो, इंटीग्रेशन में बेटर फील करते हो, तो यार उसी से स्टार्ट करना है जिसमें आप थोड़ा बेटर फील यहाँ पे करते हो। और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स है, वो मैंने पिछली वीडियो में, जो भी मेरे चैनल पे होंगे उसमें मैंने डिस्कस किए हैं, ऊपर आई बटन में वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें जाके आप वो चैप्टर्स यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से यहाँ पे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे फॉर द एमएसटी सीईटी। तो बेसिकली आपको उन्हीं पे ध्यान देना है इस प्रिपरेशन में। अगर टाइम मिलता है यार दूसरा, तो यार उसमें आप बाकी चैप्टर्स देख सकते हो, पहले इनको करना है जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट मैंने बोला यार कि जितने भी है आप प्रीवियस ईयर के थोड़ा ज्यादा यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। और आपको ये देखना है, सपोज आपने पेपर लगाया आज के दिन बैठकर, तो उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स थे, ऐसे चैप्टर्स थे जिनका वेटेज बहुत ज्यादा आया था, उनको एंड ऑफ द डे जाकर आपको अच्छे से रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट को, की नोट्स को, समरी को, और जितने भी फॉर्मूलाज उस पेपर में आए हैं उनको, ठीक है। फिर जो पॉइंट होगा वो फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ, वो आपको अच्छी बनानी है। अच्छी नींद ले आप, ठीक है, मतलब 8-9 घंटे की आप अच्छी नींद ले, फिर खाना वगैरह, हेल्थ बहुत अच्छी आपको रखनी है यहाँ पे, ठीक है। फिर बेसिकली यार क्या होता है, आप एक चैप्टर्स को अगर कम टाइम देते हो, तो उसमें बेसिकली आप रिवाइज करते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आप क्वेश्चन थोड़ा कम लगाते हो, ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एमएसटी सीट ऐसा पेपर नहीं है कि यार आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आप अगर कॉन्सेप्ट में अच्छे हो तो यार ठीक है, आपका काम बन जाएगा, आपको वहां पे एट ए टाइम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा, पर यार थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होना चैप्टर्स की जरूरी है वैसे तो। बेसिकली यार जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है और फोकस लगाकर पढ़ना है, क्योंकि आपके पास ये एक ही मंथ बचा है, एक मंथ के बाद यार कुछ भी नहीं होगा, फिर एडमिशन वगैरह ऑनलाइन यहाँ पे स्टार्ट होंगे आपके कॉलेज के लिए, तो आपको इस एक मंथ में ही करना है जो करना है, ठीक है। और टाइमर का जो यूज करना है ना पेपर में, तो वो आपको अच्छे से करना है, मतलब आपको पहला 1.5 घंटा है फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना है, मतलब 1.5 घंटे के बाद आपको फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं देखना है आपको, ठीक है, बेसिकली आपको खाली फिर मैथ्स देखना है इन द सेकंड हाफ, ठीक। ऐसे आप टाइम मैनेजमेंट यार करते रहोगे इस 8 पेपर में जो बोल रहे हो इस एक मंथ में, यार इस 8 पेपर में आप ऐसे टाइम मैनेजमेंट करके चलते हो विथ टाइमर और क्लॉक, तो यार आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया है इन द फाइनल एग्जाम, ठीक है। मैं यहाँ पे यार अभी हाउ टू प्रिपेयर, मतलब आपने सपोज एक चैप्टर उठा लिया, तो वो कैसे आपको प्रिपेयर करना है इसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है। सो फर्स्टली आपको एक चैप्टर उठाना है हर एक सब्जेक्ट का, मतलब दिन में आप 3 यहाँ पे सेशन बना रहे हो फॉर द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक चैप्टर यहाँ पे
चूज करना है या दो कर सकते हो, ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना यहाँ पे टाइम दे रहे हो, ठीक है। सो फर्स्टली आपने जो उस चैप्टर के लिए जो भी सेल्फ मेड नोट्स बनाए थे, मतलब खुद से आपने इंस्टीट्यूट में या जो भी हो आपने सेल्फ स्टडी में आपने नोट्स बनाए थे, उसको बेसिकली आपको फर्स्टली यहाँ पे सॉल्व आपको रिवाइज करना है, ठीक है, आपको फर्स्टली वही देखना है, क्योंकि यार वो उसमें क्या होता है ना कि अगर आपके सेल्फ मेड नोट्स है तो वो आपको थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक। सो पहले आपको सेल्फ मेड नोट्स देखने हैं और चैप्टर की समरी या चैप्टर के जो एंड में दी जाती है वो आप तो देख ही सकते हैं, ठीक है। आपको फिर जितने भी डायग्राम्स है उसमें, जितने भी डायग्राम से सपोज ग्राफ से या फिगर्स है, उनको अच्छे से देख लेना है और जितने हो सके ना आपसे जितने हो सके उतने मैक्सिमम आपको वहां पे न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू उस चैप्टर के आपको सॉल्व करने उस सेशन में, ठीक है। मतलब 2 घंटे का सपोज सेशन है तो उसमें से यार 1.5 घंटा आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो, फिर आधा या 45 मिनट्स यहाँ पे आप क्वेश्चन के लिए यहाँ पे टाइम दे सकते हो, आपको जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं, ठीक है। फिर एंड ऑफ द डे मतलब सोने से पहले बोल सकते हो कि उस दिन में आपने कौन से यहाँ पे चैप्टर्स पढ़े थे, मतलब आपने जो भी चैप्टर्स पिक किए थे फॉर द 3 सब्जेक्ट उसको फिर रिवाइज करना है, जितने भी की नोट्स बनते थे या फॉर्मूलाज बनते थे आपको फिर वो रिवाइज करना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अगर हो सके यार तो आपने जो भी चैप्टर उठाया था ना वो आप उस दिन में यार कैसे भी करके आप हो सके तो कंप्लीट कीजिएगा, जितने भी टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट उस चैप्टर के, जो पर्टिकुलर चैप्टर आपने उठाया था उसके जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे उसको कंप्लीट करने का यार आप ट्राई कीजिएगा दिन में, ठीक है। और इसके बाद ये आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है पढ़ के, तो उसके बाद आप उसके चैप्टर के आप जो भी यहाँ पे मार्वल पब्लिकेशन का यार जो भी आप यहाँ पे बुक प्रेफर कर रहे हो, ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होना बहुत जरूरी है आपको चैप्टर के बाद, ये सारा स्टेप्स फॉलो करने के बाद एंड में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वहां पे ट्राई करना है, ठीक है, 10-15 यार लगा दो इनाफ है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं अभी कुछ मटेरियल के बारे में बात करूंगा कि आपको कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज करना होगा या आप कर सकते हो जो कि आपको थोड़ा यहाँ पे बेटर स्कोर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो फर्स्टली यार मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि सेल्फ मेड नोट्स, ठीक है। अभी सेल्फ मेड नोट्स आपको कैसे पढ़ने हैं या एक चैप्टर कैसे पढ़ना है तो आप OK4R टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो पढ़ने के लिए। अभी ये टेक्निक क्या है तो बेसिकली आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हो, नहीं तो मैं आई बटन में यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा कि एक वीडियो में मैंने शायद OK4R टेक्निक यहाँ पे अच्छे से आपको बता दिया था क्या है, आप वो अप्लाई करके यहाँ पे आप चैप्टर पढ़ सकते हो। वो थोड़ा ज्यादा देर के लिए आप एक मंथ के लिए आपके वो दिमाग में यार अच्छे से चैप्टर रहेगा, ठीक है, याद रहेगा आपके। फिर फॉर्मूला बुक शीट्स जो भी आपके पास सपोज फॉर्मूला बुक हो या आपने खुद यहाँ पे फॉर्मूला शीट्स बनाई हो तो वो आपको यहाँ पे प्रेफर करना है, ठीक है। फिर बोर्ड बुक्स, अभी जो सीईटी का पेपर है ना एमएसटी सीईटी का, वो यार मैं तो जो मेरा फर्स्ट चॉइस होगा वो होगा बोर्ड बुक्स, ठीक है। अगर अच्छे से यार 1-2 बार या बोर्ड बुक्स यहाँ पे पढ़ लेते हो तो अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाता है फॉर द सीईटी, ठीक है, ओनली सीईटी। और जो बोर्ड बुक्स में स्पेशली जो मैथमेटिक्स का बुक है 2 पार्ट में आता है, ठीक है, 11th 12th ऐसे करके 2 पार्ट में आता है HSC बोर्ड का, ठीक है, स्टेट बोर्ड का बुक, NCERT का नहीं। तो वो जो मैथ्स का बुक है उसके एक्सरसाइज है या जो भी चैप्टर्स है या सॉल्व एग्जांपल्स है वो आपको मिनिमम इस एक मंथ में या दो बार यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। जितने भी एक्सरसाइज है जितने भी प्रॉब्लम्स गिवन है इन द मैथमेटिक्स बुक वो आपको 2 बार मिनिमम यहाँ पे सॉल्व करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सीईटी के एग्जाम में HSC बोर्ड के बुक्स, ठीक है। सो मैथ्स के लिए ये तो स्पेशल है, ठीक। फिर बुक्स में यहाँ पे कुछ सजेस्ट करूंगा यार, पहले मैथ्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट मैंने रखा है वो बोर्ड बुक ही रखा है, ठीक है, HSC बोर्ड का। फिर जो सेकंड है वो द मैथमेटिक्स फॉर द MST CET, ये मार्वल पब्लिकेशन का बुक है, ये बहुत लोग यूज भी करते हैं, ठीक है, MST CET के लिए, तो ये मार्वल पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स फॉर MST CET। और थर्ड जो रखा है मैंने वो रखा है प्रज्ञास ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, लातूर पब्लिकेशन का है ये बुक, ठीक है, तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपको यार एक बुक पकड़ के यहाँ पे स्टिक रहना है, मतलब आप बोर्ड बुक रखे हो और साथ में मार्वल रखे हो तो इनाफ है, आपको थर्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर फिजिक्स के बारे में यार, फर्स्ट बोर्ड बुक ही HSC का, और फिर मार्वल पब्लिकेशन का जो भी आता है फिजिक्स का वो, और हो सके
एससी वर्मा, ठीक है, एससी वर्मा का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ये बुक है, दो पार्ट में आता है, सो ये आप वहां पे लगा सकते हो अगर हो सके तो, नहीं तो यार बोर्ड बुक प्लस मार्वल पब्लिकेशन का तो इनाफ ही होगा, ठीक है। फिर केमिस्ट्री फर्स्ट, बोर्ड बुक्स ऑब्वियसली, जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है ना स्पेशली, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक के मान सकते हो, वो तो डायरेक्टली यार बोर्ड बुक अगर आप कर लेते हो ना तो आराम से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और इसके साथ मैंने रखा है प्रज्ञास PLPN ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री, ये भी शायद लातर पब्लिकेशन का है, तो ये भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और थर्ड जो होगा वो मार्वल पब्लिकेशन का, जो मार्वल पब्लिकेशन आता है मेनली वो फिजिक्स के लिए भी बुक है उसके पास, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए मार्वल पब्लिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है बुक, तो ये आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्टली आपको बोर्ड बुक यहाँ पे कम्प्लीट करना है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है। सो यार आपके लिए एक मंथ में इतना सारा आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी, आपको ऐसे ही बने रहना है क्योंकि मैं आगे के वीडियोज में यार जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैथमेटिक्स के वो यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ, आपके रिवाइज करने जा रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इन आने वाले वीडियोज में, इन एक मंथ में, ठीक है। सो आपकी बहुत सारी हेल्प होगी इससे। तो आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।